अब मैं आपसे कह रहा हूं 15% का आपको लाभ हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, सॉर्टेड है, ठीक है। आपने कोई चीज को पर बेचा है 5290 रुपीज में, ठीक है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? ये विक्रय दिया हुआ है, आपको क्रय निकालना है। अगेन ये तीसरा क्वेश्चन, ये आप कर लीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ गए तो बाकी बच्चों को भी समझ जाएगा। नंबर ऐसे दिए ही नहीं है मैम कि इतना समय लगेगा उसमें। ठीक है, ऑफ कोर्स आपने गलत किया है, आप समझने के लिए नहीं बैठे हो वो चीज। क्या बोलूंगा मैं अभी, मैंने आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, मैंने आपसे कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है। अब यहाँ पे देखिए 5 की टेबल में ये 3 बार कटा, ये 20 है, 3/20। ये 20 क्या है मैम, कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? सेलिंग प्राइस है, वेरी गुड मैम। बटे में आपसे सेलिंग प्राइस आने लग गई तो फिर हम एक घंटे से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप डिसअपॉइंट मत करिए, आप पहले ध्यान से समझिए। पेन आप छोड़ दीजिए, आप क्या करते हो, कोई समझा रहा है तो आप फिर अपना कॉपी लेके बैठ जाएंगे, फिर आप क्या बोलेंगे नहीं समझ आया। आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप एक तो लड़की हैं, ठीक है, लड़कों से मैं अलग तरीके से बात करूंगा। तो डिनोमिनेटर में मैंने आपको कहा कॉस्ट प्राइस आती है सिंपली, तो ये कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 20 से ज्यादा में आपने बेचा होगा, कॉमन सेंस है। कितने यूनिट, 3, तो 23 यूनिट में आपकी क्या बिक गई चीज, यहां तक कोई डाउट? अब आपको क्या सेलिंग प्राइस दी हुई है कि कॉस्ट प्राइस दी हुई है वो मुझे बताओ, कितनी दी हुई है, 5290।
ठीक है 23 3, ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो आपको 9 आ जाए, 3 × 3, तो कहीं ना कहीं आप 23 × 23 करके देखिएगा, ये आपका 5 × 2 9 आएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कटा 23 को आप इसको काटोगे तो ये 23 बार कटेगा और एक 0 230, ठीक है। आप इसको देखो ना ऐसे कि भाई 23 के टेबल में 529 कब आता है, तो 23 × 23 करने में 529 आता है, 5290 कब आएगा, 230 करने में, एक 0 लगाने में, तो कहीं ना कहीं एक यूनिट की कीमत कितनी हुई 230, तो 20 यूनिट की कीमत कितनी होगी 20 × 230, तो 23 × 2 हो गया आपका 46 और 20 आ गया 4600, ये आपका उत्तर था। अब कहां अटक रही हो वो आप जानो।